श्री लालू प्रसाद जी को यह भी पता है कि श्री नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो नीतीश कुमार जी को कैसे INDIA के गठबंधन से बाहर किया जाए उसकी तैयारी भी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेयर। देखिए, लालू और राहुल गांधी ने बड़ा सेटिंग कर लिया है। पता है लालू को कि जब तक CM नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यह आरोप बिहार के पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने लगाया। तारकिशोर प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया कि दूसरी विपक्ष एकता की जब बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार वहाँ से उठकर चले आए थे, उनकी बात नहीं बन पाई, उनकी दाल नहीं गल पाई, उनको संयोजक नहीं बनाया गया। लालू और राहुल गांधी चुपके से दिल्ली में मुलाकात किए और दोनों में सेटिंग हो गया कि नीतीश को बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाए। जरा सुनिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के संबंध में जो निर्णय दिया सदस्यता के संबंध में, और जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी श्री लालू प्रसाद जी से मिले और लंबी बातें हुई, उसी वक्त से श्री नीतीश कुमार जी में घबराहट है। उन्हें पता चल गया है कि श्री लालू प्रसाद उन्हें राजनीतिक हाशिए पर लाना चाहते हैं, क्योंकि श्री लालू प्रसाद जी को यह भी पता है कि श्री नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक हाशिए पर लाने के लिए लगातार राहुल गांधी और लालू प्रसाद जी के बीच में वार्ता भी हो रही है। और आपने देखा होगा कि बेंगलोर में जब INDIA गठबंधन की बैठक हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार जी को जाना पड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे बैठक में वो हावी रहा। तो नीतीश कुमार जी को कैसे INDIA के गठबंधन से बाहर किया जाए उसकी तैयारी भी चल रही है। यहाँ तक कि संयोजक का चयन नहीं हो पाया, जबकि यह तीसरी बैठक थी, लेकिन उसके बावजूद भी संयोजक का निर्णय नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी और संभावित उम्मीदवार का नाम तो आप छोड़ दीजिए, ये संयोजक भी नहीं बन पाए, जबकि नीतीश कुमार जी ने विपक्षी दलों के गठबंधन कैसे हो इसकी शुरुआत की थी।